स्मॉल पॉक्स एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इसमें इसका एजेंट जो होता है जिसकी वजह से स्मॉल पॉक्स फैलता है वो वेरियोला वायरस होता है। इसका जो होस्ट होता है वो ऑल एजेस ग्रुप होता है, बोथ सेक्सेस होता है, मतलब मेल फीमेल दोनों को हो सकता है और हर एक एज ग्रुप में हो सकता है। इन्वायरमेंट में इसका ओवर क्राउडिंग की वजह से, क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज़ है ओवर क्राउडिंग की वजह से हो सकता है, और भी प्रॉब्लम है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लिया ही होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 7 to 17 days तक का होता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। और इसके जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन रहते हैं उसमें वॉमिटिंग, फीवर, हेडेक, बैकएक और कन्वल्जन्स होते हैं। इसमें रैशेज हो जाते हैं, बॉडी में अपीयरेंस ऑफ रैशेज रहता है। और स्मॉल पॉक्स क्या है, एक सडन ऑनसेट ऑफ फीवर इसमें होता है कि पेशेंट को सडन फीवर आता है और कुछ हमारी बॉडी पे धीरे धीरे करके रैशेज आने लगते हैं थर्ड डे फीवर के तीसरे दिन बाद। या द रैशेज जो इसमें होते हैं वो अपीयर ऑन द थर्ड डे ऑफ फीवर एंड थ्रू पासिस थ्रू सक्सेसिव स्टेज। ये चेंज रहते हैं मैक्यूल, पैप्यूल एंड वेसिकल, पेस्टिवल एंड स्कैब। फिर उसके बाद द स्मॉल पॉक्स हैज़ बीन इरेडिकेटेड, अब ख़त्म हो चुका है ये। कभी कभी हमें कुछ केसेस देखने को मिल जाते हैं। द डिज़ीज़ वॉज कंसिडर्ड एज अ मेजर किलर डिजीज़ थ्रू आउट द वर्ल्ड। बहुत ही मेजर किलर डिजीज़ थी ये जब ये स्प्रेड हुई थी पूरे वर्ल्ड में। द इरेडिकेशन ऑफ द डिज़ीज़ हैज़ प्रिवेंटेड 2 million ऑफ डेथ एंड अ फ्यू नंबर्स ऑफ few hundred cases of blindness and also cases of disease per year. तो ये स्मॉल पॉक्स था जिसका मैंने बताया इसका एजेंट था वेरियोला वायरस, जिसकी वजह से ये एक कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ड्रॉपलेट वगैरह के थ्रू स्प्रेड होता है। थैंक यू।